जनपद सरवस्ती के विकासखंड जमना में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्र आवास हरदत्त नगर ग्रेंट में 50 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जिसके उद्घाटन सरवस्ती विधायक भाजपा के राम फेरन पांडे ने किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी जमनाहा परविंद कुमार, खंड विकास अधिकारी जमनाहा डॉक्टर जितेंद्र नाथ दुबे, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुरेंद्र प्रताप वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी राकेश कुमार वर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष महेश मिश्रा ओम एवं निर्वाचित ग्राम प्रधान विजय कुमार सिंह, तहसीलदार जमनाहा नारायण सिंह, क्षेत्र लेखपाल जगत नारायण तिवारी, गोविंद प्रसाद मिश्रा, राजस्व निरीक्षक राम कृष्ण राम धीरज तिवारी आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। सरवस्ती विधायक राम फेरन पांडे ने बताया कि कोविड-19 के लिए क्वारंटाइन सेंटर पर बेड व खाने पीने का व्यवस्था, दवा ऑक्सीजन व डॉक्टर की व्यवस्था विकृत रूप से किया गया है। क्वारंटाइन होने वाले मरीजों को सभी सुविधाएँ सुचारू रूप से आवश्यक मिलेगी। बुजो अहमद की रिपोर्ट, सरवस्ती। सर, आपके विधानसभा सरावस्ती में कोविड-19 से जो एक कार्यक्रम आप लोगों को सरकार द्वारा दिया गया है, सर उस पर क्या आपका सहयोग? हमारा पूरा सहयोग चल रहा है, सरकार का सहयोग, सब जनता का सहयोग है, हमारा सहयोग जनता के लिए सहयोग है, और जो सरकार कर रही उसी कड़ी में हमने अपने विधानसभा में 3 जगह क्वारंटाइन सेंटर जो उद्घाटन कर रहे हैं, एक यहाँ आपके कस्तूरबा विद्यालय में हो रहा है, एक लेंगड़ी गोलन महाविद्यालय में, एक इकौना में सत्या दायरन स्कूल है, उसमें हम लोगों ने व्यवस्था किया है। हर जगह पर वहाँ पे खाने पीने की किचन सेंटर भी चल रहा है, दवा की भी व्यवस्था हो रही है, डॉक्टर की भी, और यहाँ तक कि जो बेड यहाँ पर हैं, हमने ये तक व्यवस्था किया है कि अगर यहाँ कोई क्वारंटाइन है, आइसोलेट में है यहाँ, और अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी व्यवस्था किए हैं, अस्पताल में न ले जा करके यहीं पर उनको ऑक्सीजन दे करके और उनकी जान को बचाया जा सके। यह मेरा व्यक्तिगत अपने निजी खर्चे से व्यवस्था है, इसमें ना कोई निधि है और ना सरकार की कोई पैसा है, मेरा व्यक्तिगत पैसा है, मेरा जो कुछ है समाज के लिए, समाज के कार्य के लिए, मैं समाज के हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। हमारे अधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ, प्रशासन SDM तहसीलदार BDO SHO सारे लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर अपनी जान को हथेली पर लेकर के अपनी जान की बाजी लगा करके लोग जान बचाने में जुटे हुए हैं। उसी कड़ी में मैं भी निकल रहा हूं, और हम तो यहां तक की व्यवस्था किए कि अपने विधानसभा में हर गांव में 20 से 25 किट हम आर्डर दिए हैं, कल तक आ जाएगा, हर गांव में बंटवाएंगे। किसी को सर्दी हो, बुखार हो, कहीं लक्षण दिखाई पड़े तो अपने घर पे दवा खा करके अपने घर पे ही वो आइसोलेट हो जाए और उसका लाभ ले और वो स्वस्थ हो।